नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक Xiaomi कंपनी का Redmi Y1 मोबाइल आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों ये सेट चालू नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली डेड होके मेरे पास आया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो पे इसको रिकवर करेंगे, जो डेड होके आया है डेड रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट करते हैं एम्पियर मीटर से, चार्जिंग में लगा के इसमें कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से हमको अंदाजा तो लग जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग लगाने के बाद देख सकते हैं 0.23 एम्पियर लेने के बाद यहाँ पे 0.06 में आके रुक गया है, स्टेबल होके रुक गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ से ये मोबाइल में कुछ भी शॉर्टिंग का इशू नहीं है, लेकिन दोस्तों ये EMMC से प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोलने के बाद ट्रेसिंग करेंगे कहाँ से ये प्रॉब्लम आया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज Redmi Y1 या फिर Redmi S1 को रिकवर करेंगे जो कि डेड होके मेरे पास आया है। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को कम्प्लीटली ओपन करते हैं और देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम आने के कारण से ये सेट डेड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को मैं कम्प्लीटली ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये सेट कहीं ना कहीं खोल के आया है या फिर किसी दुकान से रिटर्न हो के आया है, जो कि आपके स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सेट पहले से खोल रखा था और ये आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मैं पहले से कुछ भी नहीं किया हूँ, ये डायरेक्ट कैमरा में रिकॉर्ड होके ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं क्या कंटिन्यूटी मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों एक साइड ठीक आ रहा है रीडिंग और यहाँ पे दूसरा साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग का इशू नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं क्या वोल्टेज इसमें आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों 2.8 वोल्ट यहाँ पे है ये बैटरी पे चार्ज, हालाँकि ये बैटरी पे चार्ज नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितना भी चार्ज है वहाँ से हमको लोगो आना चाहिए या फिर मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन शो करना चाहिए। इसको और अच्छे से थोड़ा चेक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों 2.85 यहाँ पे ये बैटरी पे चार्ज है, इतना वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता चलता है कि ये सेट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्डवेयर में कुछ इशू है, जिस वजह से ये सेट कम्प्लीट डेड हो गया है। तो दोस्तों ये बोर्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों फिर से एक बार प्राइमरी टेस्ट करके चेक करा रहा हूँ। देख सकते हैं एम्पियर मीटर से बैटरी कनेक्टर को अभी रिमूव कर दिया हूँ और यहाँ पे कितना एम्पियर ले रहा है देख सकते हैं। बैटरी जब लगा था यहाँ पे 0.23 से 0.6 तक आ जा रहा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद 0.04 पे ये स्टेबल होकर रुक गया है। तो यहाँ से हमको पूरा कम्प्लीटली पता चलता है कि ये EMMC का प्रॉब्लम आया है। तो फिर भी इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को PC के साथ कनेक्ट करके देखते हैं क्या पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लेफ्ट साइड में डिवाइस मैनेजर को मैं खोल कर रखा हूँ, यहाँ पे जो भी पोर्ट बनेगा यहाँ पे शो करेगा। और साइड में देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल को मैं खोल कर रखा हूँ, यहाँ पे जो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये PC में कनेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि इसमें कौन सा पोर्ट बन रहा है। ये देखिए दोस्तों USB को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी पोर्ट नहीं बन रहा है, देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर पे। देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में डिवाइस मैनेजर खोल रखा हूँ और यहाँ पे कुछ भी पोर्ट नहीं बन रहा है। फिर से इसको निकाल के फिर से एक बार चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों फिर से USB को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी पोर्ट नहीं बन रहा है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसमें ऑटो EDL पोर्ट नहीं बन रहा है, तो इसको मैन्युअली इसका पोर्ट बनाते हैं। जो इसका EDL पोर्ट है, EDL पॉइंट है, इसको टच करके पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है इसको भी चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वालकॉम HS USB QD लोडर यहाँ पे आ गया है, 9008 पोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे QC फायर में रीड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक ट्रेसिंग करने के बाद हमको पता चल गया कि ये बोर्ड तो ओके है, लेकिन दोस्तों इसका EMMC में प्रॉब्लम आने के कारण से डेड हो गया है, ये तो हमको कंफर्म पता चल गया है। क्योंकि दोस्तों ये सेट में EDL पोर्ट बन गया है, इसका मतलब इसका पावर IC, PMIC, PMI IC या फिर CPU सब कुछ ओके है या फिर कहीं पे भी शॉर्टिंग का इशू नहीं आया है। तो अभी दोस्तों EMT QC फायर में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन पूरा मिल गया है और यहाँ पे जो देख सकते हैं जो फेल्ड आ रहा है डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप में ये फेल्ड आ रहा है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि ये बोर्ड से EMMC कनेक्ट नहीं है, जिसके कारण से ये सेट डेड हो गया है। क्योंकि दोस्तों ये सेट
चार पांच दुकान से ये रिटर्न होके आया है और किसी भी भाई ने इसको हीट मारने की कोशिश जरूर किया होगा, क्योंकि दोस्तों ये YouTube वीडियो देख के बहुत रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो EMMC है, थोड़ा सा इधर उधर हिला देने से ये मोबाइल कभी कभार ऑन हो जाता है, उसी के बेसिस से ये मोबाइल को चालू करने की कोशिश किए हैं, जिसकी वजह से ये EMMC बोर्ड से ड्राई हो गया है या फिर डिसोल्ड हो गया है। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसका बोर्ड को ओपन करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से आपको अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा, चलिए दोस्तों माइक्रोस्कोप में और दिखाता हूँ इसका बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है। मैं आपको जैसे ही बोला था ये चार पांच दुकान से आया है और ये मोबाइल की CPU पे और EMMC पे जरूर हीट दिए हैं, जिसकी वजह से ये सेट डेड हो गया है। यहाँ से तो हमको कन्फर्म पता नहीं चल रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, आपको ठीक से फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ये कैमरे पे ठीक से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप कंफर्म पता चल जाएगा कि इसको हीट दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं MSM8953 क्वालकॉम का MSM8953 लगा है CPU और ये सैमसंग का EMMC यहाँ पे लगा है। तो चलिए दोस्तों इसका कैमरा को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हीट अगर लग जाता है तो इसका लेंस खराब हो सकता है। तो इसके लिए सेफ्टी के कारण से इसमें कैमरा और प्लास्टिक आइटम जो कुछ भी लगा है इसको सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको PCB होल्डर में फिक्स करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं क्या इसमें हीट लगाए हैं या फिर EMMC खराब हो गया है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मदरबोर्ड को देखने के बाद पता चला कि इसमें EMMC और CPU दोनों IC को पहले से हीट दे के रखे हैं, इसलिए दोस्तों डायरेक्टली मैं EMMC को रिमूव करता हूं और उसके बाद EDL पोर्ट चेक करता हूं। ऑटो EDL पोर्ट बन रहा है, इसका मतलब ये बोर्ड ओके है, EMMC प्रॉब्लम 100% आया है। तो दोस्तों सबसे पहले EMMC निकालने के बाद इसको साफ सफाई कर लेते हैं और इसमें पोर्ट चेक करते हैं। चलिए दोस्तों PC स्क्रीन में आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये बोर्ड अभी साफ सफाई करके ये बोर्ड को फिटिंग करते हैं फ्रेम में, इसमें पोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है इसको चेक करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों यहां पे बात करते करते इसका फ्लेक्स को कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लेफ्ट साइड में डिवाइस मैनेजर को फिर से ओपन कर दिया हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे USB को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं ऑटोमेटिक ये EDL पोर्ट बन रहा है। देख सकते हैं दोस्तों 100% इसमें EDL पोर्ट बन रहा है। तो पहले भी इसमें EDL पोर्ट बन रहा था, लेकिन ये मैनुअली EDL पोर्ट बन रहा था, जो कि अभी ये ऑटोमेटिकली EMMC को निकालने के बाद ऑटोमेटिकली EDL पोर्ट बनना चाहिए, ये 100% बन रहा है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि ये बोर्ड तो ओके है, लेकिन दोस्तों इसका EMMC का कारण से 100% ये सेट डेड हो गया है। तो दोस्तों आज मेरे पास Redmi Y1 या फिर Redmi S1 जो सेट आया था डेड होके, यहाँ तक हमको फाइंड आउट करने के बाद पता चल गया है कि ये क्यों डेड हुआ था और कैसे डेड हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से हमको और थोड़ा सा काम करना है, जो कि आगे में दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर से रीड इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फिर से वही लॉक हमको शो हो रहा है जो पहले आ रहा था। तो दोस्तों यहाँ से हमको पता चल गया कि ये सेट में EMMC अभी भी कनेक्ट नहीं है। हालांकि इसका EMMC को रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, और ये पहले भी यही लॉक दिखा रहा था, पहले भी यही इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा था। तो दोस्तों ये EMMC डिसोल्ड होने के कारण से ये सेट डेड हो गया है या फिर इसका EMMC खराब हो गया है, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहें एंड तक और ये वीडियो में पूरा कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को डिस्कनेक्ट करते हैं और इसका EMMC जो अभी इसको रिमूव किए हैं इसको चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको कम्प्लीटली जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं दोस्तों EasyJTAG बॉक्स में इसको फिटिंग कर लिया हूं और इसको EasyJTAG पे चेक करेंगे। जब तक इसका EMMC को चेक नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा इसमें EMMC खराब होने के कारण से ये सेट डेड हो गया है या फिर इसमें EMMC ड्राई होके ये सेट डेड हो गया है। तो चलिए दोस्तों EasyJTAG प्लस को हम खोल लेते हैं या फिर EMMC फाइल मैनेजर को ओपन करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन में Z3X EasyJTAG का EMMC फाइल मैनेजर को ओपन कर रखा हूँ और यहाँ पे कनेक्ट टू EasyJTAG करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से पता चलेगा क्या इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या सिक्योरिटी पाथ है, सब कुछ यहाँ से हमको शो हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमको तो कंफर्म पता चल गया कि ये EMMC खराब नहीं हुआ है या फिर इसका EMMC कुछ भी इसमें इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं और देखते हैं क्या इसमें हेल्थ रिपोर्ट खराब हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों वार्निंग डिवाइस, इसमें FRP लॉक तो आया है लेकिन दोस्तों इसका हेल्थ रिपोर्ट ठीक से नज़र नहीं आया और ये क्लोज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे EasyJetAg Plus को मैं फिर से ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल रहा है, यहाँ से हमको कन्फर्म पता चलेगा और बहुत ही ईजिली इसमें देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों अभी रीड होना चालू हो गया है और इसका सारे लॉग यहाँ पे GPT पार्टीशन जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन सामने दिख रहा है सब कुछ ओके दिखा रहा है। देख सकते हैं कुछ भी इसमें एरर अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि ये MMC ओके है। अगर इसमें हेल्थ रिपोर्ट बैड दिखाता या फिर बैड हेल्थ इशू आता है तो यहाँ पर वार्निंग दे देता और यहाँ पर बूटिंग कन्फिग्रेशन भी सब कुछ ओके है, फिर भी ये सेट डेड हो गया था। क्योंकि दोस्तों ये सेट हालांकि मेरे को पता चल रहा है ये सेट जरूर ड्रॉप डाउन हुआ होगा, उसके बाद ये सेट डेड हो गया होगा किसी भाई के पास जाने के बाद, इसमें EMMC IC में हिट देने के बाद ये EMMC IC बोर्ड से डिसकनेक्ट हो गया, जिस कारण से ये सेट कम्प्लीटली डेड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमको कन्फर्म पता चल गया कि ये EMMC IC खराब नहीं हुआ है या फिर खराब नहीं हुआ था जिस कारण से ये सेट डेड हुआ था। तो दोस्तों ये सेट डेड क्यों हुआ था आपको मैं बता देता हूँ, ये सेट डिसोल्ड होने के कारण से या फिर ड्राई होने के कारण से ये सेट 100% डेड हो गया था। तो चलिए दोस्तों EMMC को रिबल कर लेते हैं और रिबलिंग करने के बाद इसको फिक्स करेंगे, ये 100% सेट चालू हो सकता है। तो चलिए दोस्तों EMMC IC को रिबल कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये सेट चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद आपके पास एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, भेजने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए आप लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद अगर लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो देख के क्या फ़ायदा या फिर वीडियो बना के क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार शाम के 6 बजे के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे EMMC IC को फिक्स कर लिया हूँ और देख सकते हैं दोस्तों रेडमी लोगो भी आ गया है, सेट चालू हो गया है, ये 100% मेरा जॉब डाउन हो गया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो पे Xiaomi कंपनी का Redmi Y1 जब डेट होकर मेरे पास आया था ये 100% रिकवर हो गया है, 100% चालू हो गया है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन में Redmi लोगो आ गया है, ये एंड्रॉइड बूटिंग हो रहा है। तो दोस्तों आपके पास अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं, बहुत ही इजीली ये रिपेयर कर सकते हैं। आज मेरे पास Redmi Y1 आया था, हो सकता है आपके पास अगर दूसरा भी मोबाइल आए तो इजीली आप इजी स्टेप से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कम समय में कोई भी मोबाइल रिपेयर हो सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके छोड़ दें ताकि सोमवार बुधवार और शुक्रवार के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सोमवार बुधवार शुक्रवार शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी क्वेरी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।